बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मंचूरियन की बहुत ही मज़ेदार सी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। वेजिटेबल्स आपके सामने हैं, सब कुछ मैंने काट लिया इस तरह से चौकोर पीसेस के अंदर, और चिकन मैंने ले लिए एक पाव बोनलेस। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डालूंगी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक का ऐड करूंगी और इसको मिक्स करके रख दूंगी। और इसमें मैंने अंडा बिल्कुल नहीं शामिल कर रही, तो यहाँ पर इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ले लेंगे इतना कि जिसमें ये डीप फ्राई हो जाए, और इसको बोटियों को एक एक करके डाल देना है। इसको 10 मिनट्स में ये फ्राई हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो जब तक ये एक साइड इसकी डन हो जाएगी तो मैं इसकी साइड पलट दूंगी, और ये सारी मैंने डाल दी एक एक करके। अब यहाँ पे ये फ्राई हो रही हैं अच्छे से, मैंने साइड्स इनकी पलट दी हैं बोटियों की, और बस 10 मिनट्स में ये डन हो गई हैं। तो मैंने निकाल लिया है पैन के अंदर से ऑयल को, मैंने निकाल लिया, सिर्फ 2 टेबलस्पून छोड़ा पहले गार्लिक डालने के बाद, फिर वेजिटेबल, और स्टर फ्राई करनी है यानी कि तेज़ आंच पे इनको वेजिटेबल्स को पकाना है। आंच हल्की नहीं करनी वरना सौगी हो जाएंगी, पानी छोड़ देंगी, तो इसलिए इसको स्टर फ्राई करना है, आंच तेज़ रख के ही पकाना होता है चाइनीज़ फूड। यहाँ पर अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिए हैं सोया सॉस के, 1 टेबलस्पून मैंने वर्स्टरशायर सॉस का डाला है, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर का डाला है। नमक भी मैंने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने भी यहाँ पर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाला है। यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल सा इसका बना लिया था, और साथ साथ मैं इसके एक एक चम्मच करके डाल रही हूँ, साथ साथ ही चम्मच भी चला रही हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने चिकन की जो बोटियाँ थी फ्राई की हुई वो मिक्स कर दी हैं, और यहाँ पर स्टर फ्राई हो रहा है, झटपट बन जाता है ये चिकन मंचूरियन, बहुत मज़ेदार। थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल से हटकर ये आपको रेसिपी मिलेगी। यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी का ऐड किया है, और फिर अगेन मैंने वही जो कॉर्नफ्लोर पानी में घोला हुआ था वो साथ साथ मैं उसको डाल के स्टर फ्राई कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने केचप के डाले हैं, ज़्यादा केचप नहीं डाला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उस स्टाइल का बना हुआ। तो यहाँ पर मैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन मंचूरियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब सारा मैंने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद सिरके के भी ऐड कर दिए हैं, और अगर आपको इसकी थिन ग्रेवी पसंद है तो यहाँ पर आप इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी डालकर इसको पका कर जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए और चूल्हे को बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तैयार, और ये थी आज की मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन की रेसिपी। जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।